एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह संडे को मैं आ गई हूँ आपके लिए अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की रीडिंग लेकर, और देखते हैं आने वाले हफ्ते में ऐसा क्या हो सकता है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो, जो आपने सोचा भी ना हो। तो गाइज, लास्ट प्रेडिक्शन में मैंने कहा था कि नॉर्थ डायरेक्शन से रिलेटेड खबर आ सकती है, और स्पेशली मैंने बोला था भूकंप से रिलेटेड कुछ खबर आ सकती है, और उसके दो दिन के अंदर ही शायद भूकंप आया था और नॉर्थ डायरेक्शन में ही आया, दिल्ली में आया, गुड़गांव में आया, हरियाणा में, मतलब पूरा हरियाणा, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, और रिसेंटली लद्दाख में आया है 4.5 मैग्नीट्यूड का। इसके अलावा भी मैंने बोला था पेड़ उखड़ने से रिलेटेड काफ़ी खबर आ सकती है और इस तरह की चीज़ें आपको सुनाई दे सकती हैं, और आपने देखा कि काफ़ी ज़्यादा ऐसी खबर छाई हुई थी जहाँ पे हज़ारों में पेड़ उखड़ चुके हैं। बाकी जो प्रेडिक्शंस थी, ये जो बीपर जॉय एंड ऑल, तो ये मैंने 3 हफ्ते पहले ही डाल दी थी विथ थंबनेल, तो उस समय ऐसी कोई न्यूज़ नहीं थी, लेकिन पहले ही ये चीज़ें जो चैनल हुई थी वो मैंने डाली हुई थी। तो नॉर्थ डायरेक्शन से रिलेटेड लास्ट टाइम आया था, देखते हैं इस हफ्ते में क्या गाइडेंस निकल कर आती है। उसके अलावा पर्सनली जनरली आपके लाइफ में ऐसी क्या सिचुएशंस हो सकती हैं जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो। तो गाइज, यहाँ पर हमेशा की तरह मैंने लिए हैं कुछ ड्रीम्स, और एंजल्स ने जो भी ब्लेसिंग्स एंड वार्निंग्स दी हैं वो मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड्स कलेक्टिवली, ज़्यादातर लोगों की लाइफ में क्या अनएक्सपेक्टेड हो सकता है ये चेक करने के लिए। और सबसे पहले हम देखेंगे टैरो से। आज ये रीडिंग लेट पोस्ट होगी क्योंकि मैं भूल गई थी कि आज संडे है, और मेरे व्यूवर्स जानते हैं कि मैं भुलक्कड़ हूँ, तो मैं भूल गई थी सच में गाइस, और मैंने दिल और दिमाग की रीडिंग लोड कर दी, और फिर मुझे 2-3 लोगों का मैसेज आया, मैम अनएक्सपेक्टेड डालोगे ना, तो मुझे याद है ओ आज संडे है। देखिए गाइस, मैं रोज़ काम करती हूँ और मेरे लिए संडे होता ही नहीं है। मैं सुबह से काम कर रही हूँ, मैं 12 घंटे से बैठी हूँ, 12 घंटे से मैं लगातार काम कर रही हूँ, तो इसका संडे से मेरा कोई लेना देना ही बचता नहीं है फिर, तो इसलिए मैं भूल जाती हूँ कि कौन सा दिन है। तो शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आने वाले हफ्ते में क्या हो सकती है। एक ही शफल करूँगी, जिसे आना है आ जाए फटाफट से। अरे, एक कार्ड सीधा भाई के पास गया है। बॉटम ऑफ द डेक है सफरिंग। कैसी सफरिंग, इन्हें हम छुपा के ही रखेंगे, ये जो भी हैं मुँह नहीं दिखाना चाहते ये, तो हम नहीं दिखाएंगे। ठीक, ये टेबल क्लॉथ इतना प्यारा है कि इसको छूती हूँ तो मुझे मेरा बन्नी हमेशा फील होता रहता है। मेरे पास एक रैबिट है जिसे मैं बन्नी बुलाती हूँ, 8 साल हो गया उसको, तो उसकी फीलिंग आती रहती है इसको टच करके। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास हर्मिट। आप में से कई लोगों के लाइफ में अगर ऐसा हो रहा है या अगर ऐसा होता है सडनली आने वाले हफ्ते में कि आप बिल्कुल भूखे रह रहे हैं और आपको भूख लगी नहीं रही, मतलब आप पूरा दिन में हो सकता है एकाध फल फूल खा ले रहे हों, या हो सकता है थोड़ी बहुत एकाध रोटी खा ले रहे हों और आपको भूख नहीं लग रही है। आपके अंदर से इतनी एनर्जी है, आपकी सोल में इतनी ज़्यादा पावर आ चुकी है असेंशन से, जैसे योगी होते हैं, साधु होते हैं, संत होते हैं, महात्मा होते हैं, चलते जा रहे हैं तीर्थ यात्रा के लिए, कहीं कुछ मिला तो मिल गया, नहीं मिला कोई बात नहीं, ठीक है। और उनके अंदर इतनी पावर होती है कि वो कहीं भी तपस्या कर रहे हैं, महीनों महीनों बैठे हुए हैं, कुछ उनकी ऐसी डाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो होता है ना कि हवा ग्रहण कर रहे हैं, अग्नि वायु से एनर्जी ले रहे हैं, सूर्य की पावर से एनर्जी ले रहे हैं। तो आप में से कुछ लोगों के साथ जैसे जैसे आप मेडिटेशन करते जाएंगे, जैसे जैसे आप अलाइनमेंट में आते जाएंगे, आपकी भूख कम होती जाएगी। तो अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ में ये चीज़ें निकल कर आ रही हैं, जैसे आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ पानी पे रह सकते हैं बिल्कुल आराम से, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई वीकनेस नहीं। ठीक, लोग एक दिन व्रत रहते हैं तो दूसरे दिन कहते हो कल पूरा दिन व्रत थे, कुछ नहीं खाया, ठीक है आज दबा के खाएंगे, बट आपको 5-5, 6-6 दिन आपको ऐसा लगेगा आप आराम से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल फ्रेश फील कर रहे हैं। तो ऐसा किसके किसके साथ होता है आने वाले हफ्ते में ज़रूर बताइएगा। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा डार्कनेस पसंद आएगा, आपको अंधेरे में रहने का मन करेगा, आपको ऐसा लगेगा कि
नहीं, मुझे बिल्कुल आइसोलेशन चाहिए, कोई मुझे डिस्टर्ब मत करो, कोई मुझे ऊंची आवाज़ में बात मत करो, मेरे बगल में मेरे कान पे आके तेज़ आवाज़ में मत चिल्लाओ, बहुत शांत रहने का मन करेगा, बिल्कुल जैसे होता है ना एकदम किसी से आप 3D में रहते हुए भी 3D में नहीं हैं, ठीक है। ड्रीम्स भी आपको ऐसे आ सकते हैं जैसे आप एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे हैं या आप बहुत ज़्यादा किसी अलग ही लोक में पहुंच जा रहे हैं जो कि इस लोक से रिलेटेड नहीं है, कुछ अननोन लोग ही आपके साथ रह रहे हैं जो इस लाइफ में आपने देखे भी नहीं हैं, कुछ इस तरह के सीन आपके साथ अनएक्सपेक्टेडली आने वाले हफ्ते में हो सकते हैं। कुछ लोगों को गवर्नमेंट जॉब की गुड न्यूज़ मिलने वाली है, अगर आपने गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई परीक्षा वरीक्षा दी है तो आप में से काफ़ी लोगों को वहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि आप की प्रमोशन हो, प्रमोशन से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिल जाए या किसी नई कंपनी में हायर पैकेज पे आपको लिया जाए, तो कुछ इस तरह की गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। इसके अलावा अनएक्सपेक्टेडली हो सकता है कि आप खुद का कुछ क्रिएट करें और आप वहाँ पर हायर अथॉरिटेटिव पोजीशन पर बैठें। खुद का कुछ क्रिएट करें मतलब कि आप सडनली कोई बिज़नेस आइडिया आ सकता है और आप उसमें थोड़ा बहुत पैसा लगाकर इन्वेस्ट करके बिज़नेस शुरू कर सकते हैं या खुद का कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं, तो ये भी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। प्लस आने वाले हफ्ते में किसी पब्लिक इमेज की हेल्प आपको मिल सकती है, किसी तरह का सोर्स लग सकता है, किसी की मदद आपको मिल सकती है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो चाहे वो कोई पब्लिक इमेज हो, इस तरह की भी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आने वाले हफ्ते में कुछ लोगों को उनके अपनों से धोखा मिल सकता है या कोई अपना आपका साथ छोड़ के बुरे वक्त में भाग सकता है, पीछे हट सकता है, आपको किसी की सच्चाई सामने आ सकती है और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ लोगों का कोई सामान चोरी हो सकता है। जो सामान चोरी होगा वो आपको मिल जरूर जाएगा लेकिन वो किसी अपने ने ही चुराया होगा, ये भी यहाँ पर मैसेज आ रहा है। देन वी हैव हाई प्रीस्टेस, कुछ लोगों के कुछ हिडन सीक्रेट्स बाहर आ सकते हैं, बरसों से आपका कुछ चीज़ें सीक्रेट है लेकिन सडनली कोई आपको देख ले या सडनली आपके लाइफ में ये हो जाए कि आपने किसी से रिवील किया था बहुत अपना समझ के और वो कहीं और बता दे या वही आपको मैनिपुलेट करे, ब्लैकमेल करे, कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं कुछ लोगों के साथ, या आप किसी पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करके उनको आपने कोई फ़ोटो भेजी या कोई वीडियो भेजा और हो सकता है कि वो आपको उसी के एवज में ब्लैकमेल करे, चाहे वो कोई भी हो। आपके कुछ हिडन सीक्रेट्स का फ़ायदा उठाया जा सकता है या कुछ हिडन सीक्रेट्स बाहर आ सकते हैं या इस तरह की कोई धमकी मिल सकती है, तो ये यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैसेज है। जिसके लिए होगा, जिसने ऐसा किया है या कुछ सीक्रेट है उनके लिए ही है, सबके लिए नहीं है। इसके अलावा आप में से कुछ लोगों को किसी ऐसे फीमेल की मदद रिसीव हो सकती है जो फीमेल बहुत ही प्योर सोल है, बहुत ही ज़्यादा डिवाइन एनर्जी है उसकी, तो आपके लाइफ में कोई ऐसी फीमेल सडनली आ सकती है जो आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव सोच रही है, मतलब आपके दुखी होने से उसको दुख हो रहा है, चाहे वो आपके घर की हो, कोई आउटसाइडर हो, कोई ना कोई सडनली आपके लाइफ में आ सकता है जो कि आपका सोलमेट हो और आपके किसी बुरे वक्त में आपका सपोर्ट सिस्टम बने, तो जिनसे आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया है, वो बहुत रिजर्व रहने वाली फ़ीमेल हो सकती है, ज़्यादातर फ़ीमेल की एनर्जी है, कुछ लोगों के साथ मेल भी हो सकते हैं बट सडनली यहाँ पे फीमेल की एनर्जी पिक हो रही है। देन यहाँ पर कुछ लोगों के लाइफ में ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ लोग किसी सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं, मतलब किसी को छोड़ दिया है आपने रिसेंटली और आपको ऐसा लग रहा है कि अब वो आ भी गया या आ भी गई मेरे लाइफ में या मुझसे माफ़ी भी मांग लिया तो भी शायद मैं उसे माफ़ नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। इमोशनली आपने किसी से पूरी एनर्जी को विड्रॉ कर लिया है, ये अनएक्सपेक्टेड आने वाले हफ्ते में कुछ लोगों के साथ हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि ये पार्टनर हो आपका, हो सकता है कोई बिजनेस पार्टनर हो सकता है, लवर हो सकता है हस्बैंड हो, वाइफ हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो या कोई फ्रेंड हो जिस पर आपने बहुत विश्वास किया था, किसी का विश्वास टूटता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अगर आपने सडनली उनसे 4,000 रुपये मांग लिए तो उसने मुंह फेर लिया और आपका दिल टूट गया, मतलब कुछ भी हो सकता है, बट किसी पर्सन से इमोशनली आप पूरी तरह से विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। इवन आप किसी आइसोलेटेड प्लेस पर भी जाकर बैठ सकते हैं बिल्कुल अपने मन को शांत करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग आप में से कुछ लोगों को किसी नए पर्सन की तरफ से कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है या कोई आपकी तरफ किसी तरह का जेस्चर कर सकता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि किसी ने आपको मैसेज किया और आपको प्रपोज़ कर दिया, हो सकता है वो एज में आपसे कम हो या ज़्यादा हो, एज डिफरेंस भी हो सकता है।
इवन आप में से कुछ लोग अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा स्पाई करते हुए नज़र आ रहे हैं आने वाले हफ्ते में। कुछ लोग कुछ फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं, किसी के साथ फ्रेश कम्युनिकेशन, किसी के साथ नई नई दोस्ती। देन यहाँ पर नज़र आ रहा है पानी से बच के रहें, पानी से रिलेटेड कोई न्यूज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, स्पेशली किसी झरने, किसी पता नहीं झरना क्यों आया मेरे मन में, बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे किसी रिस्की प्लेस पर जाने से बचें। और अगर आप जा भी रहे हैं तो थोड़ा दूर रहें, रिस्क ना लें कि आप पानी का मज़ा लेना है, पता चला कुछ प्रॉब्लम ही हो गई। ये मैसेज यहाँ पर आ रहा है, स्पेशली ये उनके लिए है जो कि किसी ऐसी जगह पे सडनली ट्रैवल करते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि कोई मदर फिगर से रिलेटेड कोई खबर आए, चाहे आपकी बुआ, मौसी, माँ, या तो उनकी तरफ से कोई गुड न्यूज़ आ सकती है या उनकी हेल्थ से रिलेटेड कोई न्यूज़ आ सकती है। बट यहाँ पर ऐसी एनर्जी है, ज़्यादातर पॉजिटिव एनर्जी है, बट देखिए आपसे कैसे रेजोनेट होता है। मदर फिगर, दादी भी हो सकती है मदर फिगर, नानी भी हो सकती हैं, मदर, मदरली फिगर। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं आने वाले हफ्ते में, प्रॉपर्टी मैटर्स हो सकता है, आप नई प्रॉपर्टी लें, नया घर लें या रेंट पर चेंज करें, कुछ इस तरह की भी चीज़ें आने वाले हफ्ते में हो सकती हैं। फूड हैबिट चेंज हो सकती है आने वाले हफ्ते में, फूड हैबिट सडनली हो सकता है आप बिल्कुल नॉन वेजिटेरियन हो जाएं, या सडनली हो सकता है बिल्कुल वेजिटेरियन हो जाएं, या वेजिटेरियन में भी हो सकता है आप बहुत चूजी हो जाएं, बहुत लाइट फूड प्रेफर करें। आने वाले हफ्ते में कुछ लोगों पे किसी तरह का केस हो सकता है, क्रिमिनल केस हो सकता है, किसी भी तरह का केस हो सकता है, इवन कुछ लोगों को जेल भी जाना पड़ सकता है भले 5 मिनट के लिए सही, या आपके घर से रिलेटेड कोई ऐसी खबर आ सकती है कि इनके ऊपर कोई केस हो गया या पुलिस आ गई या कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, या आपके आस पड़ोस में ऐसा हो सकता है कि आपके आस पड़ोस में सडनली पुलिस आप दिख रहे हैं, कुछ क्राइम हो रहा है या कुछ ऐसी चीज़ें। इसके अलावा अनएक्सपेक्टेड आप में से कुछ लोग किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील करेंगे, स्पेशली आप डर की एनर्जी में है, फियर ऑफ समथिंग, फियर ऑफ लूजिंग समथिंग, या किसी बात का डर आपको सता सकता है। इसके अलावा लास्ट कार्ड है द स्टार, तो बहुत सारे लोगों की कोई विश पूरी होने वाली है, साथ ही साथ होप रखना है आपको। अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं तो आने वाला हफ्ता आपको ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, स्पेशली इन लव लाइफ। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, आपको मैसेज रिसीव हो सकता है, कॉल रिसीव हो सकती है, आपके पर्सन की तरफ से बहुत पॉजिटिव जेस्चर आपको रिसीव हो सकता है। देखते हैं मेजर अरकाना से क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। विल टेक 5 कार्ड्स फ्रॉम मेजर अरकाना। हर हर महादेव। आने वाले हफ्ते में ऐसा क्या अनएक्सपेक्टेड हो सकता है एंजल्स कलेक्टिवली? अनएक्सपेक्टेड न्यूज, वन मोर कार्ड, ओके। तो आने वाले हफ्ते में सबसे पहले तो मैं बता दूं कि पब्लिक इमेज से रिलेटेड कोई बड़ी खबर आ सकती है, पब्लिक इमेज से रिलेटेड कोई बड़ी खबर आ सकती है। ज़्यादातर ये भी हो सकता है कि ये पॉलिटिशियन से रिलेटेड हो। ज़्यादातर जब मैं पब्लिक इमेज बोलती हूँ तो किसी एक्टर या एक्ट्रेस की न्यूज़ आती है, बट पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी फील हो रही है जैसे किसी पॉलिटिशियन की न्यूज़ हो सकती है या पॉलिटिशियन से रिलेटेड न्यूज़ हो सकती है। इसके अलावा ऐसी एनर्जी है कि यहाँ पर कलेक्टिव डेथ की एनर्जी है। डेथ का कार्ड आना मतलब कि डेफिनेटली किसी तरह की बैड न्यूज़ आ सकती है, भगवान ना करे, हर बार ही आ रही है, बट मैं क्या बोल सकती हूँ, हम लोग के बस में कुछ है नहीं। लास्ट प्रेडिक्शन में भी मैंने कहा था कि पानी से रिलेटेड या समुद्र से रिलेटेड कोई बड़ी खबर आ सकती है, सोल लॉस की एनर्जी है। और आपने सुना होगा कि ग्रीस में या कहाँ पर पूरी शिप ही डूब गई और कलेक्टिवली लॉस हुआ, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई। मैं तो ज़्यादा न्यूज़ देखती नहीं हूँ, आपको पता है, बट कोई लिंक भेजता है तब जाकर देखती हूँ। तो आई थिंक ग्रीस या कहीं का था, और बहुत ज़्यादा वहाँ पर 3 दिन का शोक भी रखा गया क्योंकि शायद 500-600 लोग सवार थे और शायद कोई बचा या नहीं बचा, आई डोंट नो।
तो ये जो सोल लॉस की एनर्जी होती है ना, ये पिक हो जाती है। और कलेक्टिवली यहाँ पर डेथ का कार्ड है, तो गॉड नोज फिर से कोई बैड न्यूज़ ना आए, मैं यही प्रार्थना करूँगी, बट यहाँ पर एनर्जी है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों की, जैसा मैंने कहा, कोई विशेस पूरी होने वाली है, या आप कोई मनौती लेकर किसी सेक्रेट टेम्पल में जा सकते हैं, या आपकी कोई मनौती पूर्ण हो गई है और आप उस मनौती को, जो होता है ना कि पूरी होने के बाद हम ये चढ़ाएंगे या चुंदरी चढ़ाएंगे या प्रसाद चढ़ाएंगे, जो भी, तो आप उसको फुलफिल करने के बाद, फुलफिल होने के बाद आप दर्शन करने जा रहे हैं किसी सिद्ध पीठ पे। इसके अलावा कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें सेक्रीफाइस की हैं, और आप अभी आने वाले हफ्ते में भी कुछ सेक्रीफाइस करने वाले हैं, चाह के या बिना चाहे, बट आप कुछ सेक्रीफाइस करेंगे, ये भी चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। कुछ लोगों का कोर्ट केस, जैसा मैंने कहा, कोर्ट से रिलेटेड चक्कर हो सकते हैं, कोर्ट कचहरी, पुलिस, किसी तरह का प्रॉब्लम, भले छोटा प्रॉब्लम हो बड़ा प्रॉब्लम हो, बट ये चीज़ें हो सकती हैं। अगर आने वाले हफ्ते में आप कोई पेपर वर्क साइन कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं, उसको प्रॉपर वे में पढ़ के साइन कीजिएगा। इसके अलावा प्रेग्नेंट अगर कोई है आपके घर में, तो उसकी बहुत केयर कीजिए, प्रेग्नेंसी से रिलेटेड कोई खबर आ सकती है, भगवान करे अच्छी आए, गुड न्यूज़ मिले, बट यहाँ पर एनर्जी थोड़ी सी नेगेटिव है। देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, पहले हम ड्रीम्स देखेंगे। आज इस डेक से तीन ही कार्ड गिरे, तो मैंने तीन ही लिए, हर बार ज़्यादा आते हैं, इस बार कम आए हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं अपनी ड्रीम चैनलिंग कर देती हूँ। आप में से कुछ लोगों को ऐसा फील हो सकता है या ऐसा दिख सकता है, जैसे कि आप किसी को अपने सामने मौत के घाट उतरते हुए देख रहे हैं, जैसे कोई किसी को मार रहा है, या कोई किसी कहीं से गिर रहा है, खाई से गिर रहा है, या तो आप खुद गिर रहे हैं या तो कोई और गिर रहा है, बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा आप देख सकते हैं जो कि डेथ से रिलेटेड हो सकता है। इसके अलावा आप में से कई लोगों को ऐसा फील होगा जैसे आप किसी अलग ही दुनिया में गए हैं, जहाँ पर अननोन लोग हैं, अननोन लोगों से आपकी बातचीत हो रही है। इस लाइफ में उन लोगों को आपने देखा नहीं है, मिले नहीं हैं, कभी लाइफ में आपकी बात नहीं हुई है, बट आप उन लोगों से अपनी ड्रीम में बहुत प्रॉपर वे में बात कर रहे हैं। हो सकता है वो आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हों, या हो सकता है कि वो आप किसी अदर रेल्म में जाकर घूम कर आए हों, जिसे हम एस्ट्रल ट्रैवल कहते हैं। कुछ लोगों को प्लैनेट से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं, जैसे यूनिवर्स में आप कुछ देख रहे हैं, या कहीं आप सन देख रहे हैं, कहीं आप मून देख रहे हैं, कहीं आप कोई अलग ही प्लैनेट देख रहे हैं, या आप ट्रैवल कर रहे हैं इन द स्काई, कुछ इस तरह की चीज़ें आपको दिख सकती हैं। इसके अलावा आपके सपने में बहन या बुआ, ये बहुत ज़्यादा आने वाले हफ्ते में आपको ड्रीम्स में मिल सकती हैं, आपकी सिस्टर या आपकी बुआ जी। इसके अलावा कुछ लोगों को डेड पर्सन से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं, जो लोग आपके लाइफ में नहीं हैं, जा चुके हैं, वो आपके ड्रीम में आकर आपको किसी तरह की गाइडेंस दे सकते हैं। इसके अलावा माउंटेन से रिलेटेड कोई ड्रीम आपको आ सकता है कि आप माउंटेन पर ट्रैवल कर रहे हैं, या ट्रैक कर रहे हैं, या माउंटेन गिर रहा है, या कुछ इस तरह के ड्रीम्स आपको आ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इन ड्रीम्स की जो एंजल्स ने आपको दिए हैं, तो यहाँ पर कई लोगों को डव कपल नज़र आ सकता है, किसी तरह का जेम्स नज़र आ सकता है, स्पेशली रूबी, बच्चे से रिलेटेड ड्रीम आ सकता है। इसके अलावा डेथ से रिलेटेड ड्रीम यहाँ भी है जो मेरी चैनलिंग में था, स्नेक से रिलेटेड ड्रीम आ सकता है, स्नेक गोल्डन ग्रीन या ब्लैक या ब्राउन आपको नज़र आ सकता है, ठीक है, कुछ लोगों को वाइट स्नेक भी नज़र आ सकता है, बट स्नेक से रिलेटेड ड्रीम है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो झाड़ू पोछा या बर्तन धोते हुए नज़र आ सकते हैं, या आपको कोई ऐसा काम करते हुए नज़र आ सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों को कोई डरावना प्लेस दिख सकता है, जहाँ पर आप डर जाएं या डर कर उठ जाएं, या कोई डरावनी चीज़ आपको ड्रीम में नज़र आ सकती है, आपकी सांस फूल सकती है, ये नेगेटिविटी का अटैक होता है। अगर आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके नहीं सोते हैं, तो ऐसे ड्रीम्स आपको आ सकते हैं, या आपके घर में किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी है, तो भी आपको इस तरह के ड्रीम्स आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा साइंस नज़र आ सकते हैं ड्रीम में, जैसे आपको किसी राशि का सिंबल नज़र आए, किसी नक्षत्र का सिंबल नज़र आए, या कोई स्टार नज़र आए, कुछ इस तरह के ड्रीम्स भी आ सकते हैं, या कोई सर्कल नज़र आए जो कि घूम रहा है, आपके सामने से निकल कर जा रहा है, कुछ इस तरह की चीज़ें आपको नज़र आ सकती हैं। स्वान कपल आप में से काफ़ी लोगों को नज़र आ सकता है, इवन रियलिटी में भी आपको नज़र आ सकता है, मुझे तो रियलिटी में नज़र आया जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था,
और स्वान कपल बहुत ही शुभ होता है। तो मेरे सामने से ही दोनों गए, तो हो सकता है आपको रियलिटी में भी नज़र आए, हो सकता है ड्रीम में नज़र आए। इसके अलावा कुछ लोगों को फ्लावर या पेड़ से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं, कुछ लोगों को अपने पर्सन से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं, और कुछ लोगों को फिश से रिलेटेड ड्रीम्स आ सकते हैं। देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, इस हफ्ते की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ क्या है। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ में पहला कार्ड है थंडर स्टॉर्म, सेकेंड वी हैव वाइल्ड विंड्स, स्पिरिट ऑफ द साउथ गैदरर, साइट ऑफ आउल, लाइट, सैक्रेड टेम्पल, द माउंटेन एंड डेथ। अगेन वी हैव गॉट डेथ कार्ड, देखिए मेजर अरकाना से आया, अभी वापस आया, यहाँ पे पहले से आया हुआ है। सो डेथ से रिलेटेड अगेन न्यूज़ है गाइज, लाइटनिंग से रिलेटेड, थंडर स्टॉर्म से रिलेटेड, माउंटेन से रिलेटेड, वाइल्ड विंड्स, बहुत तेज़ हवाएं, ऐसी न्यूज़ आपको सुनाई दे सकती है। कई लोगों को किसी मंदिर से रिलेटेड न्यूज़ आ सकती है, या आप में से कई लोग किसी सिद्ध पीठ पर जा सकते हैं। इस बार साउथ डायरेक्शन की न्यूज़ है गाइज, साउथ डायरेक्शन वाले थोड़े से सतर्क रहें, अवेयर रहें, भगवान जाने साउथ की एनर्जी यहाँ पर आई है। पिछली बार नॉर्थ की आई थी, उसके पहले ईस्ट वेस्ट की आई थी, और लकीली जो चीज़ें जो एंजल्स जो डायरेक्शन बताते हैं उस डायरेक्शन से ही रिलेटेड कुछ ना कुछ खबर आती है। तो एंजल्स आपको अगर कोई वार्न कर रहे हैं, कोई वार्निंग दे रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है, सतर्क रहना है, बाकी और सब कुछ भगवान के हाथ में है। यहाँ पर जो चीज़ें निकल कर आई हैं मैंने आपको बता दी हैं। सो गाइज, ये थी इस हफ्ते की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। होप जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं, पॉजिटिव चीज़ें हैं, सब आपसे रेजोनेट करें, और कोई भी नेगेटिव चीज़ों से आपका सामना ना हो, यही प्रार्थना करूँगी। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।